गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग रोमिका, पूजा, अंकित, एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आज की स्ट्रीम में। एविडेंस पे अपन आज सेक्शन 1-55 पे डिस्कस करेंगे। रोमिका ने फर्स्ट का सी कहा, क्वेश्चन था एविडेंस में बी गिवन ऑफ ऑल फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स इन इशू, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, रिलेवेंट फैक्ट्स बट नॉट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। सी आंसर बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट आंसर। साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी बाध्य कार्रवाई में हर विवाद्यक मतलब फैक्ट इशू और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है रिलेवेंट अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और अन्यों का नहीं, अर्थात विवाद्यक तथ्यों तथा सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। इस धारा का प्रभाव यह है कि साक्ष्य केवल विवाद्यक तथा सुसंगत तथ्यों का एक सीमित रखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने सी का, सी आंसर बिल्कुल सही है इसका। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। गुड इवनिंग नेहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा? धारा 3, धारा 5, धारा 4 और धारा 60। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। यूपी सिविल जज 2015, राजस्थान एपी 2015 और झारखंड सिविल फिल्म 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, किस क्वेश्चन के अंतर्गत यह आएगा? आपने किया 2 का सी आंसर दिया, चित्रा ने 2 का सी दिया, अंकित ने 2 का सी दिया, राहिल कह रहे हैं बी, बी इज नॉट करेक्ट, सी आंसर बिल्कुल सही है, सेक्शन 5 इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 5 जो अभी अपन ने अभी उसको डिफाइन डिफाइन किया था ना, वही सेक्शन 5 है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा, नियम अनुसूत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते का अपवाद है, हियर से एविडेंस जिसे कहते हैं, अनुसूत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं का अपवाद है। धारा 9 साक्ष्य अधिनियम, रेस जेस्टे, धारा 11 साक्ष्य अधिनियम, उपरोक्त सभी। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मध्यप्रदेश एपी 1997 पूछा गया था, अनुसूत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता का अपवाद है। थर्ड का सी कहा रोमिका ने और चित्रा भी थर्ड का सी कह रही है, सी बिल्कुल सही है। रेस जेस्टे जो है, जो नए हैं उनके लिए, रेजिस्ट सिद्धांत के अनुसार ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक ही संव्यवहार के भाग हों। ठीक है, अतः रेजिस्ट का नियम अनुसूत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते का अपवाद है। इस सिद्धांत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में उपबंधित किया गया है, सेक्शन 6 में रेजिस्ट को डिफाइन किया गया है, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा, वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, ठीक है, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा यदि वे उसी समय घटित हुए हों, वे अलग अलग समय पर घटित हुए हों, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए 4 का। राजस्थान जुडिशियल सर्विस फिल्म 2015, यूपी सिविल जज 2013 और बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। क्या होगा आंसर ओमिका? 4 का, 4 का ए नहीं है नेहा, 4 का सी है, ए और बी दोनों, वे उसी समय घटित हुए हों चलेगा, वे अलग अलग समय में घटित हुए हैं तो भी चलेगा, रिलेवेंट होना आवश्यक है। कैसा होना चाहिए? वे तो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि वो एक दूसरे का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तत्व कहा जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब है ए और बी दोनों, सी आंसर इज करेक्ट। फारूक डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है इस प्रकार विवादक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग होते हैं और वे संबंधित तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं, सुसंगत नहीं होते हैं, अनुसूत साक्ष्य हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड सिविल जज फिल्म 2012, उत्तराखंड सिविल जज 2002 में क्वेश्चन पुट किया था इनने, गुड इवनिंग सुनंदा, 5 का ये आंसर दिया अंकित ने, फारूक ने, नेहा ने, अमजद ने, बिल्कुल सही है। सुसंगत तथ्य और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं, संबंधित तथ्य
और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। तो ए का फाइव का ये आंसर बिल्कुल सही है। वे तत्व जो भले ही विवादित तत्व नहीं है, मतलब डिस्प्यूटेड नहीं है, इस प्रकार विवादित तत्वों से जुड़े होंगे, फैक्टरिंग इश्यू से जुड़े होते हैं, कि वे एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं और वे संबंधित तत्व का सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत होते हैं, इसलिए सेक्शन 6 के अंतर्गत एसजेस्ट के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है, इस प्रकार विवादक तथ्यों वे तथ्य जो भले ही विवादक नहीं है, इस प्रकार विवादक तथ्यों से जुड़े होते हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग होते हैं और वे संबंधित तत्व का सिद्धांत के अंदर सुसंगत होते हैं, सुसंगत नहीं होते हैं, अनुसूचित साक्ष्य हैं, प्राथमिक साक्ष्य हैं। अभी इस क्वेश्चन को शायद देख लिया था अपने ना, फिर भी फटाफट से आंसर दीजिए। 6 का भी यही है क्योंकि ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ, रिपीट ही हो गया था ये। ओके, सबको इसका आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है, ठीक है, जो एक गदा से उसकी हत्या करने के इरादे से मारता है। गदा मतलब हनुमान जी की गदा होती ना, वो भीम के पास गदा थी वो वाली। ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादित तथ्य नहीं है? ए का गदा से बी को मारना, ए की सी से बातचीत, ए का गदा से बी की मृत्यु कारित करना, ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय, क्या सुसंगत नहीं है बताइए। 7 उत्तर प्रदेश विजय 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या सुसंगत नहीं है? यहाँ पे राहिल कह रहे हैं हा माने क्या? Exactly, B is correct answer. A की से सी से बातचीत है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से, इसलिए वो सुसंगत नहीं है। बाकी सब एक गदा से बी का मारना है सुसंगत, एक गदा से बी की मृत्यु कायद करना भी और एक बी की मृत्यु कायद करना आशा, सब सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो अब एविडेंस एक्ट के किस उपबंध में उसी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 6 और सेक्शन 8 के अंतर्गत। राइट आंसर टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका उत्तर प्रदेश 2015, उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2002, 2009, 2011, 2013 और छत्तीसगढ़ 2014 में आया था। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार रिपीट हुआ है देखिए जरा। ओके, अंकित ने कहा 8 का भी, भूमिका ने कहा भी, सूत्रा ने भी कहा, सब ने भी कहा और भी सही है। धारा 6 के अंतर्गत राधा धारा 6 का ऐसे संबंधित है एसजेस्ट के सिद्धांत से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का प्रावधान जो एक ही संव्यवहार से जुड़े तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? विचाराधीन न्याय, रेस जेस्ट, विबंध, सुने सुनाए साक्ष्य, बताइए। 9 छत्तीसगढ़ 2017, एमपी 2016, सबको इसका आंसर पता है, सबने आंसर दे दिया है। मोटरसाइकिल वाला इधर से उधर घूम रहा है, उसकी आवाज के कारण मुझे बंद करना पड़ता है बीच बीच में। रेस जेस्टे, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10, आंग्ल विधि के रेस जेस्टे एक ही संव्यवहार के भाग के सिद्धांत का भारत में कोई महत्व नहीं है? भारत में महत्व है, भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में समाविष्ट किया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 में समाविष्ट किया गया है। 10 उत्तर प्रदेश एपीओ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, टेंथ का सी दिया पूजा ने, चित्रा ने और अंकित ने और रोमिका ने भी, बिल्कुल सही है। सी इज करेक्ट आंसर, भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में समावेशित किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है? भारत सरकार के नियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत हैं? सेक्शन 6, 8, 7 और 12। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2015,
ओके, 11 का बी आंसर किसने दिया है? नेहा ने दिया है और सुरंदा ने ए कहा। जिसने भी बी कहा है वो सही है, फारूक बी सही है, पूजा सही है। बी सेक्शन 7 का जो दृष्टांत है खा, उस पर आधारित है ये, है ना, इसलिए 11 का बी आंसर इज करेक्ट। इसे देखना ध्यान से, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, एविडेंस एक्ट की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती? अवसर को, प्रयोजन को, कारण को, प्रभाव को, बताइए। उत्तर प्रदेश सिविल जज 2013 किसको शामिल नहीं करती है? सेक्शन 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती है? अवसर को, प्रयोजन को, कारण को, प्रभाव को। 11 का भी हो गया, अब आगे 12 का आंसर दो जल्दी से। 12 का राहिल ने कहा, राहिल क्वेश्चन इंडिकेट करो, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? बिल्कुल सही सुनंदा, सुनंदा इज करेक्ट। 12 का सी बिल्कुल सही है, बाकी किसी ने सही आंसर नहीं दिया। प्रयोजन को, सेक्शन 7 की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? धारा 7 ऐसे तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है जो विवादित तथ्य के अवसर, कारण तथा प्रभाव हैं। अवसर, कारण तथा प्रभाव हैं। प्रयोजन शब्द धारा 7 में सम्मिलित नहीं है, तो अवसर भी है, कारण भी है और प्रभाव भी है, तो सेक्शन 7 में प्रयोजन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है हमारा, विचारणीय प्रश्न है कि क्या काने खा को लूटा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? खा की जेब में रुपए थे या सुसंगत तथ्य है? खाने का को रुपए बताए थे या सुसंगत तथ्य है? खाने का के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य है? खाने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं है। गिव द राइट आंसर टाइम स्टार्ट नाउ। 13 छत्तीसगढ़ सिविल जज क्लेम 2008 कौन सा कथन गलत है बताना है? मध्य सिविल जज 1986 गलत कथन बताना है, जो आंसर रॉन्ग है वो बताना है हमको, सही नहीं बताना। बताइए जल्दी से। रोमिका कह रही है 13 कड़ी, अंकित ने कहा 13 कड़ी, सुनंदा ने भी कहा 13 कड़ी, बिल्कुल सही। खाने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तत्व नहीं है, ये गलत है, जबकि ये सुसंगत था। ओके, भारत साक्षरता अधिनियम 1872 के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है, केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी मामलों में, केवल प्रशासनिक अधिकरणों में, दोनों ए तथा बी में, बताइए। उत्तर प्रदेश सिविल जज 2016 किसमें लागू होता है रेस जस्ट का सिद्धांत? क्या सिविल मामलों में, क्या क्रिमिनल मामलों में, केवल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, बताइए कौन सा है सही। 14 का डी कहा चित्रा ने और सुनंदा ने, सब ने कहा, बहुत बढ़िया, सही है डी आंसर, बिल्कुल सही, ए तथा बी दोनों में, केवल दीवानी मामलों में नहीं, दीवानी मामलों में भी, फौजदारी मामलों में भी, मतलब दोनों में ये लागू होता है सिद्धांत। 14 के बाद 15 आ गया है, का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किए जाते हैं, जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, चाहे का उन सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी इन तथ्यों का गठित होना सुसंगत है, क्योंकि वे सुसंगत तथ्य का हेतु गठित करते हैं, वे सुसंगत तथ्यों की तैयारी दर्शित करते हैं, वे सुसंगत तथ्यों का परिणाम है, वे साधारण संभवार के भाग हैं। गिव द राइट आंसर टाइम स्टार्ट नाउ। 15 सही आंसर दो एकदम। मध्य प्रदेश 2002 कुछ में क्वेश्चन पूछा गया था। 14 का डी हो गया, अंक सही था। अब आगे 15 का डी रोमिका ने कहा, ओके डी इज करेक्ट, वे साधारण संव्यवहार के भाग हैं, काय के भाग हैं, साधारण संव्यवहार के भाग हैं, और वो सेक्शन 6 के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, 15 का डी नेहा ने भी कहा, सुनंदा ने भी कहा, अंकित ने भी कहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक कोई सुमेलित नहीं है, चार में से, है ना, देखो यह कि एक आदमी ने कुछ सुना या कहा, तथ्य है, नक्शा या प्लान, दस्तावेज है, मूल से बनाई गई तुलना की गई प्रतिलिपियां साक्ष्य हैं, तथ्य जो विवादित तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि एक ही संव्यवहार के अंग हो, रूल निशी, बताइए कौन सा सही नहीं है। 16 झारखंड सिविल जज 2008 चित्रा ने कहा, 16 का डी और अंकित ने भी कहा 16 का डी। ओके, बिल्कुल 16 का सी नहीं है, डी है, डी
सिस्टीन का रोमिका डी हेडी है ना, भूल से बनाई गई तुलना की गई प्रतिलिपियां साक्ष्य में ग्राह होती हैं कभी कभी। तथ्य जो विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार संलग्न है कि एक ही संव्यवहार के अंग है, रूल निश्चित मतलब रेस्ट का सिद्धांत मतलब सेक्शन 6, यही गलत था। आप क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारा, निम्नांकित में से सुसंगत तथ्य क्या है, का खा की हत्या के लिए विचारण होता है, तथ्य की खा जनता था कि का ने का की हत्या की है, खा ने का से धन जबरदस्ती वसूल किया, खा विवाहित था, खा ने का की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी। अब इसमें से आपको बताना है कौन से कूट सही है, बताइए आंसर। 17 का आंसर, उत्तर प्रदेश एपीओ सप्लीमेंट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन से तथ्य सुसंगत हैं, बताइए। 17 का बी आंसर दिया है रोमिका ने, वेरी फास्ट रोमिका। चित्रा ने भी 17 का बी दिया है, बिल्कुल सही है दोनों, 1, 2 और 4 सुसंगत हैं। बाकी जो तीसरे नंबर का है खा विवाहितता, ये सुसंगत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है ना, ये भी सुसंगत है, ये भी सुसंगत है और ये भी सुसंगत है, तो 17 का बी इज करेक्ट आंसर। नेहा बी है, बी नॉट डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, आ पर बा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियोग है, आ ने बा को पीटा और उसकी हत्या कर दी, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सुसंगत होगा, ये अभियोग है ना, आने वाको जो कुछ कहा, आने वाको जो कुछ कहा हो, पीटने के समय आ या बा के पास खड़े व्यक्तियों ने जो कुछ कहा था, पीटने के थोड़े समय पश्चात आने पास खड़े व्यक्तियों से जो कुछ कहा हो, ऊपर सभी, बताइए कौन सा सुसंगत है। 18 मध्यप्रदेश एपीओ 2008 और मध्यप्रदेश 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके अजीत दांगी ने कहा डी, 18 का डी है, अंकित ने कहा, ओके अजीत बिल्कुल सही है बेटा, अंकित सही है, उपरोक्त सभी एवरी ऑल ऑफ द अबव, मतलब आने बा को जो कुछ कहा, पीटने के समय आया बा के पास खड़े व्यक्तियों से जो कुछ कहा गया था, पीटने के थोड़े समय पश्चात आने पास खड़े व्यक्तियों से कुछ कहा, ये सब सुसंगत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही संव्यवहार के भाग हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, यदि अपमान लेख पत्राचार का अंग निर्मित करने वाले एक पत्र में है तो संपूर्ण पत्राचार प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द, एक सुसंगत वार्तालाप का एक समकालिक टेप रिकॉर्ड, एक ऐसे साक्षी का साक्ष्य की मृतक ने उसे क्या कहा था जिसने मात्र एक द्रुत गतिमान वाहन को देखा था परंतु दुर्घटना को नहीं, इसमें कौन साक्ष्य में ग्राह नहीं है बताना है हमको, है ना, बताइए। 19 उत्तर प्रदेश लोअर सप्लीमेंट फिल्म 2004 कौन सा सुसंगत नहीं है, कौन सा साक्ष्य ग्राह्य में नहीं है, का किसी ने आंसर नहीं दिया है अभी तक, डी दिया है, डी नहीं है सही, चित्रा डी इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट, प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द, प्रहार हो जाने के उपरांत, ये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है क्योंकि एक दर्शक देख रहा है, एक दर्शक ने कहा है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के दृष्टांत गा के अनुसार कथन ए साक्ष्य में ग्राह है तथा आर बनाम फोस्टर के बाद के निर्णय के अनुसार, ठीक है, कौन सा वाला, पहला वाला, विकल्प डी साक्ष्य में ग्राह है, एक सुसंगत वार्तालाप का एक समकालिक टैप रिकॉर्ड दस्तावेज साक्ष्य है तथा अन्य साक्ष्य की संपुष्टि के रूप में ग्राह है, किंतु कथन बी जो है प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द साक्ष्य में ग्राह नहीं है क्योंकि कथन को एक संव्यवहार का भाग होने के लिए आवश्यक है कि कथन घटना के सिर्फ इतना पूर्व या पश्चात या उसके साथ हुआ हो कि सोचने के लिए कोई समय न बचा हो और न झूठी कहानी गढ़ने का समय रहा हो, मतलब प्रहार हो जाने के उपरांत कितना समय हुआ वो यहाँ पे इंगित नहीं है, तुरंत बोला गया है, घटना घटते घटते बोला गया है, तो वो डिपेंड करेगा उस पर, अब बाद में कोई कहानी गढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द साक्ष्य में ग्राह नहीं होंगे, तो आंसर बी इज करेक्ट। सामलदास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है प्रांग न्याय के नियम से, विबंध के नियम से, अन्यत्र उपस्थिति के अभिभाग में, रेस जेस्ट संबंधित तत्व और कार्य के नियम से, बताइए। 20 यूपी लोअर सप्लीमेंट फिल्म 2004
सांवल दास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है। 20 का डी कहा। अच्छा एक बात, सब रहे अभी क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे हमको पता है, सेक्शन 4, 5, 6 में चल रहे हैं ना, तो इसलिए आप आंसर बहुत फटाक से दे रहे हो। जब ये मिसलिनियस में आएंगे तब ध्यान से करना ताकि आप उनके आंसर दे पाओ। अभी तो ठीक है, रस जैस संबंधित तथ्य और कार्य के नियम से है, क्योंकि आपको पता है कि अभी क्वेश्चन 4, 5, 6 में चल रहे हैं। रस जैस संबंधित तथ्य और कार्य के नियम से क्वेश्चन नंबर 21। गैस दैट सर, ठीक है गैस तो करनी है हमको, जब कोई क्वेश्चन नहीं आया तो गैस कर सकते हैं यदि माइनस मार्किंग नहीं है। ऐसा आप ADPO के एग्जाम में नहीं करना, माइनस मार्किंग है वहां पे ना, गैस और तुक्का नहीं चलेगा वहां, आपको परफेक्ट पता है तब दो। तो TR माने W बराबर कब सिद्धांत चलता है, निम्नलिखित में से किस मामले में अंशु साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, निम्नलिखित किस मामले में, यदि कथन विवादित सम्यवहार का एक भाग है, यदि कथन एक मृत व्यक्ति का है जब वह उसकी मृत्यु के कारण संबंधित हो, जहां प्रत्यक्ष जैसी साक्षी तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को बताए वहां उस अन्य व्यक्ति का कथन, पुस्तकों में विशेषज्ञों के अभिव्यक्त कथन, यदि लेखक मृत हो या खो जाना जा सकता हो, अंशु साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, बताइए। 21 कहां ग्राह्य नहीं है, यूपी में आया 2004 में, कहां ग्राह्य नहीं है। 21 का सी दिया है आशीष ने, अंकित ने, ओके बिल्कुल सही है, 21 का सी बिल्कुल सही है, जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को बताए वहां उस अन्य व्यक्ति का कथन अंशु साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था, उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी, पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई, क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था। हाँ यह मृत्युकालीन घोषणा है, नहीं यह मात्र अंशु साक्ष्य है, नहीं क्योंकि यह विशेषाधिकृत संसूचना है, हाँ यह रेस जस्टे का एक भाग है, बताइए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर दो, UPAPO 2005-2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। 22 का डी आंसर दिया है बड़ा फास्ट, इसका मतलब पहले से क्वेश्चन पढ़ लिया था आपने वाला, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ यह रेस जस्ट का एक भाग है क्योंकि यह संव्यवहार जो कैसा है उससे जुड़ा हुआ है, हाँ यह रेस जस्ट का एक भाग है, बिल्कुल सही। 22 का डी सबने दिया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि एक प्रासंगिक बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है या है प्रासंगिक स्वीकार्य रेजिस्ट दस्तावेज, बताइए क्या है ये। झारखंड सिविल जज फिल्म 2015, उत्तराखंड PCS जूनियर फिल्म 2012। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि प्रासंगिक बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है। 23 का बी दिया है नेहा ने, सुनंदा ने और भूमिका ने, और बिल्कुल सही कहा, रेस जेस्ट, गुड। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 का बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक संव्यवहार का भाग होने संबंधित तथ्यों की सुसंगतता रेस जेस्ट सिद्धांत से बात संबंधित है। इस बाद में न्यायालय ने बातचीत के दौरान वार्तालाप की टेप की गई बातों को सुसंगत माना था। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। काद और अखा की हत्या के एक विचारण में निम्न में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है। खा की हत्या के तुरंत बाद का फरार हो गया था, हत्या से पूर्व का और खा को एक साथ देखा गया था, का ने खा से 10,000 रुपये उधार लिया था, का उस दिन बंगलोर में था जबकि खा की हत्या इंदौर में हुई थी, बताइए कौन सा सुसंगत नहीं है। 24 मध्य प्रदेश APO फिल्म 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सुसंगत नहीं है, वह आंसर भी आ गया, मैं क्वेश्चन पढ़ता रह गया, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट आंसर, का उस दिन बेंगलोर में था जबकि खा की हत्या इंदौर में हुई थी, तो डेफिनेटली ये सुसंगत नहीं है, बाकी सब सुसंगत है। साक्ष्य नियम की धारा 8 संबंधित नहीं है, हेतु पूर्व या पश्चात का आचरण तैयारी और साक्ष्य
सार्वजनिक धारा 8 संबंधित नहीं है, इससे बताइए। उत्तराखंड एपीओ 2010-2013, यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2011, यूपी सिविल जज 2012-2013। धारा 8 संबंधित नहीं है। हाँ, 25 का आपने आंसर दे दिया है डी, और बिल्कुल सही दिया है। म्यूजिकल वाइब्स 25 का डी, साक्ष्य बिल्कुल सही है बेटा। एविडेंस से संबंधित नहीं है, बाकी हेतु से संबंधित है, पूर्व पश्चात का आचरण संबंधित है, तैयारी संबंधित है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय शासन अधिनियम 1872 की धारा 8 निम्न में से कौन सी शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? कौन शब्दावली सुसंगतता के लिए सम्मिलित नहीं है? हेतु, तैयारी, आशय और आचरण, बताइए। 26 यूपी सिविल जज 2015 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, किससे संबंधित नहीं है। 26 का अनुराग ने कहा, 26 का भी ओके, सबने कहा है भी, चित्रा ने भी ओके, एग्जैक्टली सही है। आशा से संबंधित नहीं है, हेतु से संबंधित है, तैयारी से संबंधित है, आचरण से संबंधित, लेकिन आशय से संबंधित नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी फास्ट और गुड आंसर। विष द्वारा खाकी हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है? खाकी मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था? सुसंगत नहीं है, सुसंगत है, अंशता सुसंगत है, ना सुसंगत है, ना विसंगत, बताइए जल्दी। 27 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003, 27 का आंसर दो। पूजा सिंह कह रही 24 का सी, पूजा 24 का सी, डी था उसका। अनुराग ने कहा सर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम क्या है? ओके, टेलीग्राम उसमें आता है ना, आगे पीछे जब स्ट्रीम चलती है उसमें है, टेलीग्राम का नंबर है ना, टेलीग्राम दिया रखा है हमने। ट्वेंटी सेवन का क्या दिया आपने? बी आंसर दिया है, सुसंगत है। अजीत ने कहा बी और इति ने भी कहा ओके, बिल्कुल सही। 27 का अनुराग बी है, सुसंगत है, रिलेवेंट फैक्ट है, रिलेवेंट है ना। 28 निम्नांकित में से क्या सही नहीं है? कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य का हेतु दर्शित करता है सुसंगत नहीं है। कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य की तैयारी दर्शित करता है सुसंगत है। बाद के संदर्भ में उसके किसी पक्षकार का आचरण सुसंगत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। 28 मध्यप्रदेश एपीओ 2008 क्या सही नहीं है? आपको एक आंसर बताना है जो सही नहीं है। 28 का सी नहीं है, 28 का ए आंसर बिल्कुल सही है, सुनंदा ने बिल्कुल सही कहा, चित्रा ने कहा और अंकित ने कहा। कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य का हेतु दर्शित करता है सुसंगत नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। 29 इज एक्यूज्ड ऑफ बीज मर्डर, ए बी के मर्डर का एक्यूज है, आरोपी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ रिलेवेंट फैक्ट, इससे संबंधित फैक्ट क्या है, क्या होगा? ए इज गोइंग टू फाइल्ड विद अस क्लब, इज सेइंग शॉर्टली बिफोर द इंसिडेंट दैट ही विल टेक अ रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ, इज फीलिंग बिफोर द पुलिस अराइव्ड एट विलेज, ऑल ऑफ द अबव, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 उत्तर प्रदेश हाईज सर्विसेज फिल्म 2009 इज एक्यूज ऑफ बीज मर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ रिलेवेंट, क्या क्या रिलेवेंट होगा। 29 का डी आंसर दिया है नेहा ने, रोमिका ने, अंकित ने और इति ने, बिल्कुल सही है। इज गोइंग टू बी फिल्ड विद अस क्लब, इज सेइंग शॉर्टली बिफोर द इंसिडेंट दैट ही विल टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ, ठीक है। इज फीलिंग बिफोर द पुलिस अराइव एट प्लेस, मतलब सारी कंडीशन ऐसी हैं जो रिलेवेंट हैं, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारा, कोई तथ्य
जो किसी विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या घटित करता है सुसंगत है। भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा में उपरोक्त कथन उपबंधित है? सबको पता है, बताइए जल्दी से आंसर। थर्टी का यूपी लोअर 2002 किस सेक्शन के अंतर्गत है? 30 का ए कहा अंकित ने, अनुराग ने, फारूक ने और नेहा ने। ए बिल्कुल सही है, सेक्शन 8 इससे संबंधित है। 31 प्रश्न यह है कि क्या ए को लूटा गया? यह तथ्य कि उसने किसी शिकायत को किए बिना कहा उसे लूट लिया। सुसंगत तथ्य की तैयारी दर्शित करते हुए सुसंगत है, आचरण को दर्शित करते हुए सुसंगत है, सुसंगत तथ्य के प्रभाव को दर्शित करते हुए सुसंगत है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 अथवा धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है, बताइए। 31 झारखंड सिविल फिल्म 2008 31 का डी किसने दिया है? आशीष ने कहा 31 का डी, रोमिका ने कहा, अनुराग बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल सही है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 क्लॉज 1 अथवा धारा 157 के अंतर्गत वो सुसंगत हो सकता है। धारा 8 का दृष्टांत टा इसे संबंधित है। अजित ए नहीं है, 31 का डी है। अभियुक्त का आचरण सुसंगत है अर्थ अंतर्गत धारा 8 भारत शासन अधिनियम, धारा 10 भारत शासन अधिनियम, धारा 11 भारत शासन अधिनियम और धारा 12 इंडियन एविडेंस एक्ट, बताइए अभियुक्त का आचरण सुसंगत है। 32 मधुबे से 2017 सबको पता है इसका आंसर, जल्दी से दे दोगे, दे दो भाई जल्दी से आंसर। ओके, सेक्शन 8 धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा? आरोपित अपराध के लिए हेतु के अस्तित्व का साक्ष्य, एक कथन का साक्ष्य जो किसी आचरण का अनुसंगी हो अथवा जो कथन के अतिरिक्त अन्य कृत्यों का स्पष्टीकरण करता हो, उस कथन का साक्ष्य जो ऐसे व्यक्ति का आचरण प्रभावित करता हो या उस पर असर डालता हो जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत है, कोई परिवाद किए बिना लूट के कृत्य का कथन, साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। यूपी एपीओ 2007 यूपी लोअर सब 2004 कौन सा नहीं होगा? बाकी जहर द्वारा हत्या के लिए आग का विचारण हो रहा था, विचारण के दौरान यह तथ्य की जैसा जहर बाकी दिया गया था उसी के समान एक जहर आने बाकी हत्या के पूर्व प्राप्त किया था कि जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व बाकी स्वास्थ्य की दशा बाबत सुसंगत नहीं है, दोनों ही तथ्य सुसंगत है, इनमें से पहला तथ्य सुसंगत परंतु दूसरा नहीं, इनमें से दूसरा तथ्य सुसंगत पहला परंतु पहला नहीं। अब तो आपने आंसर दे दिया है, नाउ यू आर ऑडियोबल, ठीक है। 34 का आंसर क्या दिया आपने? बी आंसर दिया है, दोनों ही तत्व संगत हैं, बी आंसर बिल्कुल सही है मनीषा खोड़े, बी आंसर, ये दोनों ही तत्व सुसंगत हैं। ओके, 35 आ गया है हमारा, का के ऊपर खा को पोटेशियम साइनाइड का विष देकर हत्या करने का आरोप है। यह तथ्य कि खा की हत्या के पूर्व का ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा था किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? 7, 9, 8 और 10 बताइए। 35 छत्तीसगढ़ सिविल 2013 35 का बी कहा अंक कितने? अब आ रही है, ओके। थर्टी फाइव का बी सबने दिया है, सेक्शन 8 के अंतर्गत सुसंगत है, ठीक है। 36 प्रश्न है कि क्या आ ने एक अपराध किया था, कौन से तत्व सुसंगत है? आ एक चेतावनी का पत्र प्राप्त होने के पश्चात फरार हो गया था, आ ने साक्ष्य नष्ट कर दिया, आ ने एक साक्षी को उपस्थित होने से रोका, उपरोक्त सभी तत्व, कौन सा तत्व सुसंगत है बताना है हमको, बताइए। 36 मधुबे से 1993 में आया था
ओके 36 का दे रहा है आंसर, 34 का पूजा आंसर दे रही है, 34 का सी, 34 का बी है पूजा, नॉट सी, 36 का डी, बिल्कुल सही है फारूक, चित्रा, सुनंदा, अंकित। ऊपर सभी तथ्य कैसे हैं, सुसंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न यह है कि क्या आके साथ बलात्संग किया गया था, यह तथ्य कि उसने परिवार के बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, सुसंगत है, आंसर सुसंगत है, ना सुसंगत है और ना ही विसंगत। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 37 मध्यप्रदेश सिविल जज 1996-1999। का ए आंसर दिया किस किसने, भूमिका ने 37 का बी कहा, ए आंसर बिल्कुल सही है सुनंदा, बी नहीं है, ए है। परिवाद किए बिना यह कहना कि मेरे साथ बलात्संग किया गया था भारतीय शास्त्र अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, यद्यपि यह धारा 32 क्लॉज 1 के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 157 के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कैसा है, सुसंगत नहीं है सेक्शन 8 के अनुसार, तो ये सुसंगत नहीं है, लेकिन सेक्शन 32 क्लॉज 1 और सेक्शन 157 के अंतर्गत संपूषक साक्ष्य रूप में ये सुसंगत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, 11, 10, 13 और 12 बताइए। उत्तराखंड एपीओ 2010 किस सेक्शन के अंतर्गत ये सुसंगत होंगी, का सी आंसर दिया है अंकित ने और फारूक ने और चित्रा ने और मनीषा ने, ओके, और 38 का ए कह रही है नेहा, नेहा ए नहीं है सी है, धारा 10 बिल्कुल सही, सेक्शन 10 के बारे में बात हो रही है। आर बनाम ब्लैक का बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 से संबंधित है, आर बनाम ब्लैक, इस बात में दिए गए निर्णय का सार यह है कि एक पक्षकार द्वारा किए गए कार्य तभी साक्ष्य का प्रभाव रखेंगे जब वे सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हों, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार समस्त षड्यंत्रकारियों के सामान्य आशय के संदर्भ में किसी षड्यंत्रकारी द्वारा कोई कही गई या लिखी हुई गई बात सुसंगत होती है तब जबकि यह विश्वास करने का युक्ति कारण मौजूद हो कि षड्यंत्र किया गया है, ठीक है। वहीं सेक्शन 11 उन तथ्यों की सुसंगतता के विषय में है और सेक्शन 12 जो है नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थन करने की प्रवृत्ति रखने तथा तथ्य सुसंगत होते हैं उससे संबंधित है और सेक्शन 13 में अधिकार या रूढ़ी के प्रश्नगत होने पर सुसंगत तथ्यों का उल्लेख किया गया है, तो चारों सेक्शन मैंने आपको बताए तो उनको ध्यान रखना भी। क्वेश्चन नंबर 39 सूची, क्वेश्चन नंबर 39 तो है लेकिन इसमें इसके आंसर अपन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो इतना आधा ही रह गया वो है ना, क्वेश्चन तो बढ़िया है मैं बता दूंगा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसे उत्तर सुनिए। सूची एक सूची दो हेतु सेक्शन 75 निश्चयायक सबूत सेक्शन 62 प्राथमिक साक्ष्य धारा 8 और प्राइवेट दस्तावेज सेक्शन 4 ठीक है। बी 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 इज करेक्ट, 3, 4, 2, 1 इज करेक्ट, मतलब हेतु सेक्शन 8 में है, हेतु सेक्शन 8 हम ऐसे देखेंगे, हेतु जो है वो सेक्शन 8 में है आपका, ठीक है। निश्चायक सबूत आपका है धारा 4 के अंतर्गत, प्राथमिक साक्ष्य जो है आपका वो है सेक्शन 62 के अंतर्गत और प्राइवेट दस्तावेज जो हैं वो हैं आपके सेक्शन 75 के अंतर्गत, ये
पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया था इसलिए अपन इसको समझ लेंगे यहाँ पे, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, आर बनाम ब्लैक का बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा संबंधित है। अभी अपन ने इसको देखा था एक्सप्लेनेशन में, बताइए जल्दी से 9, 11, 10 और 13 किस सेक्शन के अंतर्गत है आर बनाम ब्लैक का बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। 40 का आंसर दो, 40 का बी कहा, सबने कहा, ओके सब कह रहे हैं एकदम सही। सेक्शन 10 धारा 10 के अंतर्गत आर बनाम ब्लैक का बाद जो है धारा संबंधित है, आर बनाम ब्लैक का बाद, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41 जिसके बारे में देखेंगे, इसमें सूची 1 और सूची 2 हैं और को सुनिश्चित करना है सूचियों के नीचे कूट की सहायता से उत्तर बताना है। ए है तथ्य जो विवादित तथ्य का परिणाम है धारा 9, तथ्य जो एक ही समवाय के भाग धारा 8, तथ्य जो विवादित तथ्य की तैयारी दर्शाता है धारा 7, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तत्व धारा 6। बताइए आपको कूट पहले इसको ध्यान से देख लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर मैं इसके आंसर बताता हूं आपको। और ये आंसर है उसके ए बी सी डी चार आंसर दे रखे हैं, इसमें से आपको एक चुनना है। उत्तरांचल सर्वेक्षण 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है 3421 आपने क्या कहा 3421 सी जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है 3421। सर क्वेश्चन रिपीट करें, सामने तो दिख रहा है क्वेश्चन, तथ्य जो विवादित तथ्य का परिणाम है धारा 7 में है, तथ्य जो एक ही समवाय के भाग हैं धारा 6 में है, तथ्य जो विवादित तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं धारा 8 में है, सुसंग तत्वों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ है धारा 9 में है। और इसका आंसर इसमें देख लो, यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 3421, आंसर करेक्ट आंसर क्या है 3421। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 42, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है, पुलिस अधिकारी द्वारा, कोई भी नागरिक के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, शिनाख्त परेड कौन लेगा बताइए। 42 उत्तर प्रदेश सिविल जज 2015 और मध्य प्रदेश एपीओ 2002। स्नैक पेड किसके द्वारा ली जाती है, स्नैक पेड किसके द्वारा ली जाती है, टाइम स्टार्स नाउ गिव द राइट आंसर। 42 का नेहा ने कहा, 42 का ए, चित्रा कहनी 42 का डी, ओके सोनी पाल कह रहे हैं डी, बिल्कुल सही है बेटा डी इस करेक्ट आंसर, इनमें से कोई भी ले सकता है, पुलिस अधिकारी भी, कोई भी नागरिक भी, मजिस्ट्रेट भी। शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी नागरिक द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, किंतु पहचान कार्रवाइयां करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी, जब पहचान कार्रवाइयां की जाएंगी तब प्राथमिकता मजिस्ट्रेट को रहेगी, यहाँ पे कोई भी कर सकता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, स्मृति ताजा करना धारा 158, बताए इसमें से एक कोई सही है, देखो जरा स्मृति ताजा करना धारा 158, पहचान की कार्रवाई धारा 10, स्वीकृति धारा 24, ऊपर में से कोई भी नहीं, कौन सा सुमेलित सही है बताइए। 43 का उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्लेन 2014, इसमें से कौन सा सुमेलित सही है, आपने क्या आंसर दिया 43 का, ओके बी परिहार कह रहे हैं 43 का डी, और फारूक ने 43 का डी, छात्रा ने भी कहा 43 का डी, ओके बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है। फिर क्या है, तो यहाँ पे जो है स्मृति ताजा करना सेक्शन 159 में है, सेक्शन 159 में स्मृति ताजा करना है, पहचान की कार्रवाई जो है सेक्शन 9 में है, सेक्शन 9 में है पहचान की कार्रवाई, और स्वीकृति आपकी है 17 में, ठीक है स्वीकृति 17 में है, पहचान की कार्रवाई 9 में है,
और स्मृति ज्यादा करना 159 में, इसलिए कोई भी सुमिलित नहीं है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अक्यूज्ड इन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस। द स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्शली करेक्ट, फॉल्स, नन ऑफ द अबव। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अक्यूज्ड इन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ सब्सटेंटिव एविडेंस। द स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्शली करेक्ट, फॉल्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44, ये बिहार हाई जूसी सबसे फिल्म 2016 में आया था। सब्सटेंटिव एविडेंस माने संपोषक साक्ष्य। संपोषक साक्ष्य के रूप में क्या ग्राह है, सही है, पार्शलिक सही है, गलत है, और इसमें से कोई भी नहीं। 44 का ए कहा किसने, पूजा ने, बी परिहार करें 44 का बी, और जिसने कहा है बी वो है बी परिहार, बिल्कुल सही कहा परिहार। ए आंसर है ट्रू, है ट्रू, सही है। सब्सटेंटिव एविडेंस माना गया है किसके हिसाब से, मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 942, इसलिए सही आंसर क्या हो गया, ट्रू है, सही है। जिसने बी दिया था, कौन ने कहा था, परिहार साहब ने कहा था, और चित्रा जी ने भी कहा 44 का बी, बेटा सही है ये। सब्सटेंटिव एविडेंस को सही माना गया है, सब्सटेंटिव एविडेंस माना गया है इसको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अक्यूज इन टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त परेड होती है, वो क्या हो गया, ट्रू माना गया है। यस यू आर राइट। नाउ 45, पहचान की कार्यवाही साक्ष्य विधि के अधीन एक है। सारमान साक्ष्य है, श्रुति साक्ष्य है, संपोषक साक्ष्य है, कोई साक्ष्य नहीं है। संपोषक माने जो किसी अन्य साक्ष्य को संपोषित करता है, संपुष्ट करता है, है ना, इसलिए उसको ऐसा संपोषक साक्ष्य कहा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। उत्तराखंड APO 2016, मध्य प्रदेश विजय 2010। पहचान की कार्रवाई साक्ष्य विधि के अधीन क्या है, बिल्कुल सही। अब सब ऐसा बिल्कुल सब ध्यान से इसको करेक्ट कर लेना, संपोषक साक्ष्य है, सब्सटेंटिव एविडेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, शिनाख्त परेड सुसंगत है एविडेंस की धारा 7, 8, 9, 11 के अंतर्गत। बताइए किस सेक्शन के अंतर्गत है, अभी अपने देखा था उत्तराखंड सिविल जज 2009, मध्य प्रदेश APO 1997, मध्य प्रदेश सिविल जज 2012, 2013 उत्तराखंड में सेक्शन। ओके सबने आंसर बिल्कुल सही दे दिया, 46 का तो बिल्कुल सही है, एवरीबॉडी इज करेक्ट, सी आंसर बिल्कुल सही है, धारा नौ शिनाख्त परेड से संबंधित है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 47, का पर एक निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए खा पर का बाल लाता है। खा प्रतिज्ञान करता है कि वह बाद जिसका अपमान लेख होना विघटित है सत्य है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। विवादित तथ्य के रूप में, विवादित तथ्य से प्रभावित आचरण के रूप में, विवादित तथ्यों की पुनर्स्थापना के रूप में, विवादित तथ्य की तैयारी के रूप में। बताइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। 47 मधुबे सवेजा 2002, अजीत ने कहा 47 का सी, पुरंदा ने कहा सी, अजीत ने कहा सी, पूजा ने भी कहा सी, और ओमिका ने भी, और सी इज करेक्ट आंसर। विवादित तत्वों की पुनर्स्थापना के रूप में उनको लिया जाएगा, पुनर्स्थापना माने फिर से स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 48, का बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित है। भीड़ की आवाजें सुसंगत हैं क्योंकि यह सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारियों के द्वारा कही गई या की गई बातों से संबंधित है। सम्यवार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत हैं, हेतु और तैयारी को स्पष्ट करने वाली होने का सुसंगत हैं, तथ्यों के अवसर, कारण या परिणाम को स्पष्ट करने वाली होने का सुसंगत है। बताइए भीड़ की आवाजें क्या कर रही हैं। 48 राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज फिल्म 2011, 48 का आंसर दिया है बी। ओके
सोनी ने दिया है, बी प्रिया ने दिया है, पूजा ने ए कहा, रोमिका ने बी कहा, चित्रा ओके जो बी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। साम्यवाद की प्रकृति को स्पष्ट करने की सुसंगत है क्योंकि पीछे से आवाजें आ रही थी और बलवा हो रहा था, भीड़ का आगे भीड़ के आगे चल रहा था वो, है ना, तो वो साम्यवाद की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। 48 का बी बिल्कुल सही है। और सेक्शन 9 का जो दृष्टांत है चा, उस पर आधारित है। 49, आप पर चोरी का अभियोग है, उसे चोरी की संपत्ति बा को देते हुए देखा गया। बा को वह संपत्ति आ की पत्नी को देते हुए देखा गया। बा संपत्ति देते हुए कहता है आ ने कहा है कि तुम्हें इन्हें छिपा देना है। बा का कथन सुसंगत है यदि बा अनुमति दे तो, सुसंगत नहीं है, सुसंगत है उस सत्य को स्पष्ट करने के लिए जो कि उसी साम्यवाद का एक भाग है, विवादित तथ्य नहीं है, बताइए। 49, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008, मध्यप्रदेश सिविल जज 1993। फोर्टी नाइन का सी रोमिका ने कहा है, चित्रा ने कहा है, अंकित ने कहा है, सुरंदा, फारूक, सोनी और नेहा, एवरीबॉडी इज करेक्ट, सुसंगत है उस सत्य को स्पष्ट करने के लिए जो उसी संभवार का एक भाग है। 50, अब आता है क्वेश्चन नंबर 50, ये दो पार्ट में लिखा है मैंने क्योंकि बड़ा था आपको दिखता नहीं। यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि का भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है, किंतु वह केवल खा को जानता है जिसने षड्यंत्र के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान में शस्त्र आयुध एवं गोला बारूद उपाप्त किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का की उसमें यह सह अपराधिता साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का की उसमें सह अपराधिता साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है, है ना, ध्यान रखना सह अपराधिता साबित मतलब को है जो होता ना एकॉम्प्लिस, तो सह अपराधी कहते हैं, एकॉम्प्लिस के रूप में वो सुसंगत नहीं होगा, वो बताना है। गा ने वैसे उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया, गा ने मुंबई में लोगों को षड्यंत्र सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया था, गा ने गोला बारूद का उपयोग संसद भवन को उड़ाने के लिए किया किंतु उसका प्रयास असफल सिद्ध हुआ, उपरोक्त प्रयास के बाद गा ने गोला बारूद पुनः सप्लाई करने के लिए खा को पत्र लिखा था। अब इसमें से आपको बताना है, क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य का की उसमें सह अपराधिता साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है, बताइए। चार ऑप्शन देख लो फिर इसका आंसर दो। 50 का मध्यप्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज क्लेम 2010। फिफ्टी का ए आंसर दिया है सुनंदा ने, बिल्कुल सही सुनंदा, यू आर राइट, सुनंदा इज करेक्ट और चित्रा इज करेक्ट और पूजा भी सही है, 50 का ए आंसर बिल्कुल सही है। गाने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया, का कि उसमें से अपराधिता साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, इसलिए वो सुसंगत नहीं है यहाँ पे। और बाकी तीनों में घा ने मुंबई में लोगों को षड्यंत्र सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया था, का ने गोला बारूद का उपयोग संसद के भवन को उड़ाने के लिए किया किंतु तो बाकी सब ठीक है, लेकिन वो ए वाला जो है उससे सुसंगत नहीं है। 51 की बात कर लेते हैं अपन। 50 ने यहाँ 50 का सी नहीं था, 50 का ए था, सॉरी डी भी नहीं है, ए है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की कौन सी धारा एजेंसी अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है? सेक्शन 7, 9, 8 और 10, बताइए। 51, उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2016, एजेंसी अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। डी कहा चित्रा ने और नेहा ने भी कहा है, डी फारूक ने भी कहा, सुंदर ने भी, और डी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 10 के बारे में है, भारत सरकार अधिनियम की धारा 10 अभिकरण एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। इस धारा के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातों के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 52, इंडियन एविडेंस एक्ट की निम्न धाराओं में से किसमें अन्यत्र उपस्थिति प्ली ऑफ एलिवी संबंधी प्रावधान दिया गया है?
धारा 7 में, धारा 4 में, धारा 6 में, धारा 11 में, बताइए एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी का सिद्धांत किस सेक्शन में है? बिहार में पूछा, झारखंड में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सेक्शन 11 किसने कहा है? चित्रा ने, ओके, रोमिका ने, अंकित ने, ओके, सुनंदा ने, और सब कह रहे हैं और दोस्त को सही कह रहे हैं, एवरीबॉडी इज करेक्ट। धारा 11 के बारे में प्ली ऑफ एलिबी का सिद्धांत है हमारा। क्वेश्चन नंबर 53, प्रश्न यह है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की? यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है, विसंगत है, सुसंगत नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये कैसा है बताइए। 53 मध्यप्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2002-2009। का क्या कहा आपने? अंकित ने 53 का सी, ओके, 53 का ए आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ए इज करेक्ट आंसर। रोमिका, सुनंदा सब सही हैं, सुसंगत है। लॉ क्या है कहता है, सुनो, सेक्शन 11 के अंतर्गत वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत है, जो सुसंगत नहीं है वो भी सुसंगत है, यदि वे किसी विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य से असंगत है, यदि वे स्वयं या अन्य स्वयं माने स्वयं से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव या अनधिसंभाव बनाते हैं, ठीक है, दृष्टांत कहाँ पे आधारित है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, एलिबी विनियमित होती है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8, 6, 11, 12 में। सीधा क्वेश्चन, सीधा आंसर 54। झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015 पूछा गया होगा, सर एक क्वेश्चन होगा, क्या होगा? हाँ, 54 का सी आंसर दिया है और सी बिल्कुल सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत है प्ली ऑफ एलिवी। निम्नलिखित, हाँ, निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 द्वारा संशोधन किया गया है? इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 में, की धारा 17 में, की धारा 32 में, धारा 41 में, किस में संशोधन किया गया है? इंफॉर्मेशन, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द्वारा संशोधन किया गया है, किस सेक्शन में किया गया बताइए। उत्तराखंड से भेजा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। 55 का बी दिया पूजा ने, ओके पूजा, बिल्कुल सही कहा आपने, सेक्शन 17 में संशोधन किया है, ए नहीं अंकित, बी है, बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में संशोधन किया है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के माध्यम से, सेक्शन 17। धारा 17 में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधन करके शब्द मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्दिष्ट के रूप में अंतर्विष्ट शब्द अंतर स्थापित करके स्वीकृति के इलेक्ट्रॉनिक रूप को विधिक मान्यता प्रदान की है, मतलब स्वीकृति का जो इलेक्ट्रॉनिक रूप है उसको भी मान्यता प्राप्त कराई है। सेक्शन 17 में स्वीकृति है, एडमिशन है ना, नाइस। क्वेश्चन नंबर 56 आता है हमारा और बात करता है आ द्वारा बाकी हत्या के एक विचारण में कौन सा तत्व सुसंगत नहीं है? आ तथा बाकी हत्या के एक विचारण में कौन सा तत्व सुसंगत नहीं है? बी की हत्या के तुरंत बाद आ फरार हो गया था, हत्या से पूर्व आ और बा को एक साथ देखा गया था, आ ने बा से 50,000 रुपये उधार लिए थे, आ उस दिन मुंबई में था जबकि बा की हत्या चेन्नई में हुई थी, विचारण में कौन सा तत्व सुसंगत नहीं है? सबको पता है इसका आंसर दीजिए फास्ट। 56 एपीओ मध्य प्रदेश प्रीलिम 2009, उत्तर प्रदेश 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। सी नहीं है, डी है, बिल्कुल सही कहा सुनंदा,
चित्रा, पीपरिहार और सोनीपाल, बिल्कुल सही बेटे। आ उस दिन मुंबई में था जबकि बा की हत्या चेन्नई में हुई, ये कैसा नहीं है, सुसंगत नहीं है। 57 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधान अनुसार उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वे तथ्य जो किसी विवादित तथ्य से संगत हैं सुसंगत नहीं होंगे, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हैं यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व अनिश्चित अत्यंत अधिसंभव या अनुसंभव बनाते हैं। और सी, कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित अग्रित करता है सुसंगत है। स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंतर्विश्व बंधनों के अधीन विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकेंगी। बताइए चार में से कौन सा सही है। 57 राजस्थान जुडिशियल सर्विस प्रेम 2015 कौन सा कथन सही नहीं है। 57 भूमिका सेक्शन 11 कहां, ठीक है 57 का आंसर दीजिए। ओके नरेंद्र सोनी 55 का बी कह रहे हैं। नरेंद्र सोनी ठीक था, 55 का बी तो हो गया था, 57 का ए का रोमिका ने बिल्कुल सही है। रोमिका इज करेक्ट, अंकित इज करेक्ट। वे तथ्य जो किसी विवादित तथ्य से असंगत हैं सुसंगत नहीं होंगे, ये कथन गलत है। वे तथ्य जो किसी विवादित तथ्य से असंगत हैं वो भी सुसंगत होंगे क्योंकि वो उस चीज का विरोध कर रहे हैं, इसलिए 57 का ये आंसर इज करेक्ट। नाउ 58 कोई तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में सुसंगत होता है, उन परिस्थितियों को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है। सेक्शन 11, 13, 12 और 14। 58 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2014 58 का ये कहा, सेक्शन 11 बिल्कुल सही कहा, सेक्शन 11 धारा 11 में सेक्शन 11 क्लॉज 1 के अनुसार वे कथन जो किसी विवादित तथ्य से सुसंगत से असंगत हैं सुसंगत हैं, कथन बी धारा 11(2) के उपबंध, कथन सी धारा 8 तथा कथन डी धारा 31 के प्रावधान के अनुरूप सही हैं, है ना, ठीक है। 57 की बात थोड़ी कर रहे थे, 58 की बात कर रहे थे, ठीक है सेक्शन 11 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है। ऐसे विश्वास का युक्तियुक्त आधार होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया है। प्रश्नगत कार्य उस समय के बाद होना चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र का आशय प्रथम बार मन में धारण किया गया हो। सी कार्य सामान्य आशय के निर्देश के अंतर्गत होना चाहिए। डी इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है, ये बताना है, नेगेटिव फॉर्म में है, कौन सा सही नहीं है ना, तीन सही होंगे एक गलत होगा। यूपीएपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा साक्ष्य की सुसंगत हेतु सुसंगतता हेतु सही नहीं है। 59 का डी दिया रोमिका ने, पूजा ने 59 का सी कहा, फारूक कह रहे 59 का डी, 59 का डी आंसर बिल्कुल सही। अच्छा एक बार बता दो, वो आंसर दे रहे हो तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि ऐसे ही आंसर दे रहे हो, क्यों पढ़ के समझ में आ रहा है कि सीधा आंसर दे रहे हो फटाक से, कोई कह रहा है ए, कोई कहता है डी, कोई कहता है बी, अरे कुछ के तो सही आ रहे हैं, कोई तो पढ़े लिखे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ तुक्के भी मार रहे होंगे, तुक्के मत मारना है ना, नहीं आ रहा तो हम रुक जाएं उसके लिए और उसको ध्यान से देख के तैयार करें। जिनको तैयार नहीं है, जिनका तैयार है वो तो अच्छी बात है, जिनका तैयार नहीं है वो उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे बाद में ना, ऐसा नहीं कि बस आज अभी के इस समय पढ़ लिया अपन उसे छोड़ देंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। 60 दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाद साक्ष्य बिरी के किस विषय से संबंधित है। कौन सा वाला, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, रेस जैस समर्थ से अन्यथ उपस्थिति होने का विभाग से, स्वीकृति से, सहअपराधी से, बताइए। 60 का आंसर
उत्तराखंड में पूछा है और यूपी सिविल जज में पूछा गया है 2013 और 2016। किससे संबंधित है दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य? ओके, सृष्टि का आंसर पढ़ने पर भी थोड़ा गैस। ओके अंकित, कोई बात नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आ रहा है, गुड सोनी। ओके, भूमिका ने का सृष्टि का ए, चित्रा ने का सृष्टि का बी, और बी इज करेक्ट आंसर। अन्यत्र उपस्थिति होने का विभाग से संबंधित है, प्ली ऑफ एलिवी से संबंधित है ये आपका दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 11 एक अभियुक्त को साधारणतः यह वचन लेने के लिए सक्षम बनाती है, रेस जस्टे एलिवी, लिस्पेंडेंस, रेस जुडिकेटा। सेक्शन 11 एक अभियुक्त को साधारणतः यह अभिवचन लेने के लिए सक्षम बनाती है, बताइए आंसर। 61। झारखंड सिविल जज फिल्म 2015 क्वेश्चन पूछा था, 61 का सी कहा रोमिका ने, पूजा ने, सुनंदा ने। ओके, बी पर 61 का ए कह रहे हैं, अजय सिंह ने कहा सी, सी इज करेक्ट आंसर। एलिवी से मतलब है, प्ली ऑफ एलिवी से संबंधित है सेक्शन 11। 62, अन्यत्र उपस्थित होने का विभाग भारतीय जनता संहिता में विशेष अपवाद है, भारतीय जनता संहिता में सामान्य अपवाद है, साक्ष्य नियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। 62, यूपी एपीओ फिल्म 2015, इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी दे सकता है ना, क्योंकि इतना सरल दिया पूछा है 62 में। ओके, पूजा ने कहा, चित्रा ने कहा, सोनी ने पहले ही कह दिया था। बेटा सोनी जी, क्वेश्चन का नंबर भी डालोगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो पता नहीं पड़ेगा, आगे पीछे हो जाएगा ना। ओके, 62 का सी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 मान साक्ष्य का मात्र नियम है। 63, प्रश्न यह है कि क्या का ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया है? इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है? यह कि का उस दिन मुंबई में था, यह कि का कोलकाता जाने का अभ्यासी है, यह कि का अपराध करने का अभ्यासी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। यूपी एपीओ 2005-2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, का ए किसने कहा है, बी प्रिया, सुनंदा, चित्रा, पूजा और ओमिका। एवरीबॉडी इज करेक्ट, यह कि का उस दिन मुंबई में था सुसंगत है। 64, सबूत परिणाम होता है, सबूत परिणाम होता है जांच का, अन्वेषण का, साक्ष्य का, कथन का। उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2013, सबूत परिणाम होता है, सबूत जो है किसका परिणाम है, जांच का है, इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस का या स्टेटमेंट का। ओके, 64 का बी कहा, साक्ष्य का, बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट आंसर। का चुराया हुआ माल है जानते हुए कि वह चोरी का है प्राप्त करने का अभियुक्त है, उपरोक्त दृष्टांत है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 का, 12 का, 14 का, 13 का, बताइए। 65, उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2011 में पूछा गया, किस सेक्शन के अंतर्गत है ये? 64 का बी किसने कहा, संदा ने कहा, नो 64 का बी नहीं, हाँ 64 का बी था बेटा, सही है। अब 65 का आंसर दो, 65 का सी आंसर दिया किसने, सुनंदा, रोमिका ने, और सुनंदा ने कहा 65 का ए। ओके, बिल्कुल सही है, सेक्शन 14 सही है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 का जो दृष्टांत का है ना, उस पर आधारित है ये, बिल्कुल सही। 65 का बी, सॉरी सी, सी आंसर बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट आंसर 65 का, सेक्शन 14। 66, का पर खाकी ख्याति की अपहानि करने के आशय से
एक लांछन प्रकाशित करके खा की मानहानि करने का अभियोग है। यह तथ्य की खा के बारे में का ने पूर्व प्रकाशन किए जिनमें खा के प्रति का मनुष्य दर्शित होता है सुसंगत है, क्योंकि उसमें का की ख्याति की अपहानी की तैयारी सिद्ध होती है। यह विवाद तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है। उससे खा की ख्याति की अपहानी करने का आशय साबित होता है, वह सुसंगत तथ्य का परिणाम है। बताइए क्या सही होगा। 66 में मध्य विजय 2002 बिल्कुल सही रोमिका। रोमिका इज करेक्ट। 66 का सी, उससे खा की ख्याति की अपहानी करने का आशय सिद्ध होता है, क्योंकि वो उस टाइप के लेख लिखा पहले से प्रकाशित कर रहा था। बिल्कुल सही। अब आ जाता है 67। आ चोरी का एक ऐसा माल प्राप्त करने का अभियुक्त है जिसे वह जानता है कि वह चोरी का है। यह सिद्ध कर दिया गया है कि चोरी की एक विशिष्ट वस्तु उसके कब्जे में थी। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में अन्य कोई चोरी की वस्तुएं थी सुसंगत नहीं है। सुसंगत है ना, सुसंगत है ना ही विसंगत, ग्राह्य नहीं है। बताइए 67 मध्य विजय 1993 और 66 का आंसर सबने लगभग सही दिया था। 66 का सी आंसर जिसने भी दिया था 66 का वो सही था। अब 67 का बी बिल्कुल सही है। ओके नरेंद्र सोनी ने कहा 66 का सी सही था, 67 का बी सही है। रोमी का चित्रा सुनंदा और भी परिहार सुसंगत है, इट इज रिलेवेंट। 68 पहले 67 को देख रहे थे मनवी, इसमें सुसंगत था। इसमें लिखा है उन्हें उपरोक्त समस्या में तथ्य की उसी समय उसके कब्जे में अन्य कोई चोरी की वस्तुएं थी यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, रखने वाला होने के नाते कि जो चीज उसके कब्जे में थी उसमें हर एक और सबके बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई है। तो भारतीय शास्त्रीय उदाहरण 14 के अंदर सुसंगत हो जाएंगे। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 68। भारत साक्षरता नियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की दशा प्रकट करती है आशय को, सद्भाव को, ज्ञान को, ये सभी। 68 बताइए आंसर, गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 10 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। यूपी सिविल जज 2013, मध्य प्रदेश 2008, उत्तराखंड सिविल जज 2002। 14 के अंतर्गत, सेक्शन 14 के अंतर्गत मन की दशा प्रकट करती है आशय को, स्वभाव को, ज्ञान को, ये सभी को, किसको बताइए। आल ऑफ द अबव, अंकित ने कहा, चित्रा ने कहा 68 का बी, डी परिहार डी 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 ओके, नेहा जोशी कह रहे हैं 68 का बी, नो डी आंसर इज करेक्ट। ये सभी दशाएं मन की दशा कहलाएंगी, आशय, सद्भाव और ज्ञान। 69 निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अधिनियम 1872 की धारा 14 के अंतर्गत मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है, दुराशय, सद्भाव, हेतुक, उपेक्षा। 69 झारखंड में पूछा और उत्तर प्रदेश में पूछा है क्वेश्चन 14 के अंतर्गत। मैंने अभी बताया ना आपको, मन की दशा में आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उदावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, शरीर की दशा, उन सारी संवेदना सम्मिलित हैं, लेकिन हेतुक सम्मिलित नहीं है। ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है और ये भी सम्मिलित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 किसी व्यक्ति के मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य निम्न में से किस अधिनियम में सार्थक होते हैं। दंड प्रज्ञा संहिता 1970 की धारा 280 में, दीवानी प्रज्ञा संहिता 1960 के आदेश 18 नियम 12 में, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में, उपरोक्त सभी दशाओं में, सभी धाराओं में एवं अधिनियमों में। बताइए 70 क्वेश्चन नंबर 70 70 का आंसर है डी, डी इज करेक्ट आंसर, नॉट सी। उपरोक्त सभी धाराओं व अधिनियमों में, दंड प्रज्ञा संहिता 1970 की धारा 280 में भी है, दीवानी प्रज्ञा संहिता 1960 के आदेश 18 नियम 12 में है और भारत साक्षर अधिनियम 1872 की धारा 14 में मन की दशा के बारे में बात की गई है।
उसके बारे में प्रावधान सुने। साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। इसी प्रकार सीआरपीसी की धारा 280 के अंतर्गत न्यायाधीश साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणियां कर सकता है, और ऐसा ही उपबंध सीपीसी 1908 के आदेश 18 नियम 12 में भी किया गया है, जो मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का द्योतक है। सुनाओ, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, सब याद कर लेना उस चीज को, मन की दशा कहाँ कहाँ है, मन की दशा कहाँ कहाँ है। 70 में सीआरपीसी 280 में है, सीपीसी 1908 18 नियम 12 में है, साक्ष्य अधिनियम 1872 की 14 में है। ये सब करेक्ट कर लेना है ना, लगभग सब आंसर गलत आए थे, एक आध दो के सही थे। ओके, भूमिका का सही था ना, आप 71 आ जाओ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 में अधिकार अथवा रूढ़ी को स्पष्ट करने हेतु कोई संव्यवहार या विशिष्ट उदाहरण सुसंगत होते हैं, किंतु ये किसी अपराध के अस्तित्व के बारे में सुसंगत नहीं होते। यह उदाहरण किस बाद में प्रतिपादित की गई? गुरदीत सिंह बनाम श्रीमती अंग्रेज कौर 1968 सुप्रीम कोर्ट में, सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण 2001 सुप्रीम कोर्ट में, आनंदी बाई बनाम राजाराम 1973 राज्य में, शकुंतला बनाम अमरनाथ 1982 पंजाब हरियाणा राज्य में। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 21 का आंसर हो मत, राजस्थान एपीओ फिल्म 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको आइडिया है क्या 71 का? है 71 का। बी कहा रोमिका ने, ओके, सुनंदा ने भी कहा और चित्रा ने भी कहा और आशीष भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण 2001 सुप्रीम कोर्ट के बाद में। द्विवाह के अपराध से संबंधित मामला है ये। द्विवाह प्रथागत कानून के अंतर्गत द्वितीय विवाह किए जाने पर यह बात योजित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कृत्य को आपराधिक घोषित किए जाने हेतु पत्नी की अपील को खारिज कर दिया था। 71 का बी आंसर बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। किसी अधिकार या प्रथा के अस्तित्व को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में साबित किया जा सकता है? केवल धारा 13 में, केवल धारा 15 में, धारा 14 में, उपरोक्त में किसी में भी नहीं, बताएं। 72। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम 2016 किस सेक्शन के अंतर्गत किसी अधिकार या प्रथा के अस्तित्व को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में साबित किया सकता है? 72 का आंसर दिया है ए, बी परिहार में, और बिल्कुल सही है ए, रोमिका ने भी कहा, चित्रा ने भी, पूजा ने भी, सुरंदा, सोनी और नेहा सब, केवल धारा 13 सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 73 क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है हमारा और बात करता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जबकि खालिस्तान प्रश्नगत है तब सुसंगत तत्व केवल अधिकार, केवल रूढ़ी, केवल कर्तव्य, अधिकार रूढ़ी किसके बारे में बताएं? 73 राजस्थान एपीओ 2015। किससे संबंधित है सेक्शन 13 का सी कहा है किसी ने डी कहा, सुनंदा ने कहा डी और डी इज करेक्ट आंसर, रोमिका ने भी कहा है और अंकित ने भी और नेहा जोशी भी कह रही हैं, तो अधिकार या रूढ़ी के बारे में जो बात है वो सही है। सेक्शन 13 के अनुसार जबकि अधिकार रूढ़ी प्रश्न करते हैं तब सुसंगत तथ्य होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 74। आ के ऊपर आरोप है कि उसने बाकी हत्या पिस्तौल से की। आ ने पिस्तौल 15 सितंबर को देहरादून से खरीदा था। आ का कथन है कि 15 सितंबर को वह लखनऊ में था, देहरादून में नहीं। आ का कथन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है? धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 11 में, धारा 14 में, बताइए। 74 उत्तरांचल सिविल जज 2005 और उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम 2011 किस सेक्शन के अंतर्गत ये सुसंगत होगा? का बी अंकित ने कहा है, सोनी ने कहा है और सुरंदा ने, ओके, बी परिहार ने भी, रोमिका ने भी, ओके, सब सही कह रहे हैं। सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है, ठीक है।
ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 75। प्रश्न यह है कि क्या का ने किसी अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया? यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है। विवादित तथ्य के हेतु के रूप में, विवादित तथ्य की पुनर्स्थापन के रूप में, सुसंगत तथ्य की तैयारी के रूप में, क्योंकि वह विवादित तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनधिसंभव बनाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। 75 का आंसर दीजिए, मध्य प्रदेश सिविल जज 2002। क्या काने किसी दिन कलकत्ता में अपराध किया? इस प्रश्न के संबंध में यह तथ्य कि का उस दिन लाहौर में था सुसंगत है, क्योंकि वह विवादित तत्व के अस्तित्व को अत्यंत अनधिसंभव बनाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत ग्राह साक्ष्य यह प्रदर्शित करता है कि का को वह अवसर की उपलब्ध नहीं था कि वह कथित अपराध कार्य कर सकता, क्योंकि का घटनास्थल से इतनी दूरी पर था कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना प्रोबेबल, हाईली इम्प्रोबेबल था, सुसंगत है। इसलिए 75 का डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि वह विवादित तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनधिसंभव, हाईली इम्प्रोबेबल बनाता है। ठीक है, कल 75 के आगे अपन चलेंगे और मिलते हैं अपन कल। तब तक आप सेक्शन 1-55 तो अपने पढ़ लिए हैं, अब आप सेक्शन 55 से आगे चल के सेक्शन 69 और 75 तक पढ़ने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, 55 तो अपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन 55 तो फिर से पढ़ के आप 75 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की स्ट्रीम को अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन कल। टेक रेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल। Good night to all.